शुक्रवार को सिंधिया घाट का गंगा तट स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के गगन भेदी उद्घोष से गूंज उठा। मौका था नमामि गंगे और महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटकों द्वारा चलाई गई स्वच्छता मुहिम का। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, आओ घर घर अलग जगाए, माँ गंगा को स्वच्छ बनाए, जैसे स्वच्छता को प्रेरित करते जन जागरण के दौरान सिंधिया घाट के गंगा तट की सफाई की गई। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में बटकों ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को स्वच्छता की सीख देकर गंगा तलहटी में तैर रहे कपड़े, पॉलिथीन एवं अन्य कूड़े कचरों को कूड़ेदान तक पहुंचाया। सिंधिया घाट पर उपस्थित सैकड़ों पर्यटकों सहित नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारत का गौरव और पहचान है। गंगा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे साथ हैं। गंगा तट की स्वच्छता के लिए जन जन की सहभागिता जरूरी है। स्वच्छता मुहिम में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के बटुक अनुज दुबे, शिवम पाठक, कृष्ण ठाकुर, अंकेश पांडे, ईशांत मिश्रा उपस्थित रहे। सिंधिया घाट पर चहुओं स्वच्छता की गूंज सुनाई पड़ रही है और ऐसा है कि आज यहाँ वेद पाठी बटकों के साथ नमामि गंगे ने मिलकर स्वच्छता के लिए सबको जागरूक किया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में पर्यटकों को, साथ ही जो स्थानीय नागरिक हैं, जो यहाँ पंडा पुरोहित बंधु हैं और साथ ही जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, सबको स्वच्छता के लिए निवेदन करते हुए यह आग्रह किया है कि हम काशीवासी और देशवासी, जो गंगा हमारी सनातनी संस्कृति की आत्मा है, उन गंगा मैया के तट पर स्वच्छता बनाए रखें और सब साथ में यह कार्य करें। जन सहभागिता माँ गंगा की स्वच्छता के लिए अति आवश्यक है।